ऐसा ज्ञान मोहम्मद पीर जिन मारी गौ शब्द के तीर शब्दे फेर जिवे जिन गोसत नहीं भाख्या हंसा राख्या ऐसा पीर मोहम्मद भाई। मोहम्मद पीर ऐसे थे कि उन्होंने अपने वचन की शक्ति से एक गाय की हत्या कर दी, फिर उन्होंने अपने वचन की शक्ति से इसे फिर से जीवित कर दिया। वह इतने महान व्यक्ति थे कि मांस का सेवन नहीं करते थे। इस्लाम धर्म के गुमराह और अज्ञानी अनुयायी कत्लेआम करते हैं और मांस खाते हैं। उनके धार्मिक गुरु काजियों ने अज्ञानतावश मुस्लिम समाज को गुमराह किया है। वे बकरा ईद मनाने जैसी गलत प्रथाओं और सुन्नत जैसी रस्मों का प्रचार करते हैं। हजरत मोहम्मद ने दूसरी बार गाय को मार डाला, लेकिन फिर वह उसकी जान नहीं लौटा सके। परेशान होकर मोहम्मद को तब अल्लाह अकबर पूर्ण प्रभु पुराण परमात्मा की याद आई। अल्लाह अकबर सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। वह जिंदा संत के रूप में अवतरित हुए और केवल हजरत मोहम्मद को ही दिखाई दिए और किसी को नहीं। कबीर परमेश्वर ने गाय को जीवित कर दिया। भगवान कहते हैं, मुई गौ हमने तुरंत जिवे जब मोहम्मद के निश्चय आये। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा मोहम्मद मुमान का जब गया अंदाजा। पीर मोहम्मद नहीं बहिश्त सिधाना पीछे भूलिया है तुर्काना। गोसत खाही नमाज गुजारे सो कहो क्यों कर बहिश्त सिंधारे। हजरत मोहम्मद ने अल्लाह की ताकत को पहचान लिया और फिर उन्हें सतलोक ले जाने के लिए बहुत रोए, लेकिन अल्लाह उन्हें अपने साथ नहीं ले गए क्योंकि उन्होंने ईश्वर के आदेशों की अवहेलना की थी। पीर मोहम्मद स्वर्ग नहीं पहुंचे और उनके बाद पूरे मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। वे व्रत भी रखते हैं और मांस का सेवन भी करते हैं। वे किसी भी संभव तरीके से स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे सभी कृत्य जघन्य हैं और ईश्वर के दरबार में निषिद्ध हैं। जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं वे भगवान के पापी हैं। वे नरक में कष्ट भोगेंगे। काफिर पर संत गरीबदास जी के पवित्र उपदेश। संदर्भ: संत गरीबदास की वाणी सत ग्रंथ अध्याय काफिर बोध पृष्ठ 577 से 578 पर। संत गरीबदास जी महाराज सत ग्रंथ में काफिर शब्द का विशद वर्णन करते हैं। काफिर कौन है? मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के बीच अत्यधिक प्रचलित शब्द काफिर का प्रयोग इस्लाम में विश्वास न करने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं क्योंकि वे देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, यीशु का मांस खाते हैं। जबकि हिंदू मुसलमानों को काफिर कहते हैं क्योंकि वे गाय बकरी ऊंट मुर्गे आदि को मारकर उनका मांस खाते हैं। जैसा कि संत गरीबदास जी ने समझाया है, काफिर शब्द वास्तव में समुदाय विशेष नहीं है। काफिर वास्तव में वह व्यक्ति है जो स्वभाव से घृणित हो, नीच हो, घृणित हो। ऐसा नीच व्यक्ति निकम्मा निकम्मा और काफिर होता है। काफिर वह है जो व्यभिचार डकैती चोरी धनशोधन जैसे नीच कर्म करता है। काफिर वह है जो शराब पीता है, हुक्का पीता है, पान खाता है और जीवन में सभी प्रकार के उपद्रव करता है। काफिर नीच व्यक्ति अपनी माँ को गाली देता है। काफिर अपने पिता के वचनों का उल्लंघन करता है। काफिर अपनी पत्नी की बहन के साथ दुर्व्यवहार करता है। काफिर धर्मी नहीं, दान नहीं देता। काफिर वह है जो संतों के साथ दुर्व्यवहार करता है। काफिर वह है जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। वह स्त्रियों को बेचकर कमाता है, वेश्याओं से संबंध रखता है और कन्या भ्रूण हत्या का जघन्य पाप करता है। काफिर वह है जो निर्दोष जानवरों का वध करता है। काफिर सच्ची इबादत नहीं करता बल्कि मनमानी इबादत में लगा रहता है। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में बताते हैं। काफी पसंद गरीबदास जी के पवित्र उपदेश। संदर्भ: सुरापान मद मंसाहारी गमन करे भोगे पर नारी। सत्तार जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। अर्थ: जो व्यक्ति शराब पीता है, मांस खाता है और पराई स्त्री से संबंध रखता है, उस पाप के फलस्वरूप उसे 70 जन्म तक सिर कटना पड़ता है। ईश्वर साक्षी है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। अर्थ: जो व्यक्ति कड़वी शराब पीता है उसे 70 जन्म कुत्ते के मिलते हैं। भान तांबाकू छोटरा आफू या शराब। गरीबदास कौन करे बंदगी ये तो करे खराब। अर्थ: भांग तंबाकू विभिन्न नशे शराब भक्ति को नष्ट कर देती है। पूजा कौन करेगा, इन्हें त्याग देना ही अच्छा है। अमल हारी आत्मा कभू न उतरे पार। अर्थ: शराब नशीला पदार्थ पीने वाले व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। इब्राहिम अधम सुल्तान पर संत गरीबदास जी का भाषण। संदर्भ: कबीर सागर अध्याय 16 सुल्तान बोध पेज नाम 37 757 तथा संत गरीबदास जी की वाणी 2-72 पृष्ठ नम 301-303।
चून की आत्मा सत्पुरुष से दूर जा चुकी है, वह परम शांति की तलाश में है जो ब्रह्म काल की इस भौतिकवादी नकली दुनिया में नहीं मिलती है। संत गरीबदास जी ने सत ग्रंथ में राजा इब्राहिम अधम सुल्तान के बारे में एक भक्त आत्मा का ऐसा ही वर्णन किया है। वह भक्त था जो किसी पूर्व मानव जन्म में सर्वशक्तिमान कबीरदेव की शरण में था, लेकिन नकली धार्मिक गुरुओं के बहकावे में आकर सच्ची भक्ति के मार्ग से भटक गया था। ब्रह्म काल अपने एजेंटों के माध्यम से निर्दोष आत्माओं को गुमराह करता है और उन्हें अपने जाल में फंसाता है। आदरणीय संत गरीबदास जी ने उल्लेख किया है कि कबीर परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वह सर्वशक्तिमान है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, लेकिन निर्दोष और अज्ञानी प्राणियों को नहीं पहचाना, सद्भक्ति से वंचित रहकर ब्रह्म काल के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ मैं भगवान असहाय हो जाता हूँ। अनंत कोटि बाजी तहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास में क्या करूं, काल करे जीव खंड। दयालु सर्वशक्तिमान कबीर आज भी जीवन में एक बार भी उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक भक्त पर कृपा करते हैं और उसे पूर्ण मोक्ष प्रदान करते हैं। संत गरीबदास जी बताते हैं कि इब्राहिम अधम सुल्तान शासक था। भगवान कबीर उनसे उनके पिछले सभी मानव जन्मों में मिले थे, जब उन्होंने सम्मन के रूप में और बाद में नौशा खान आदि के रूप में जन्म लिया। प्रत्येक मानव जन्म में भगवान कबीर ने उस आत्मा में भक्ति का बीज बोया, अंत में उसी आत्मा ने भगवान की पहचान की। उसके बाद इब्राहिम अधम सुल्तान ने मानव जीवन के सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया और सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया।